जब मैं रेडी था मैं करूंगा एज लीड, क्योंकि नहीं हो रही थी चीजें तब मिला नहीं, जब मुझे लगा कि नहीं अभी नहीं करना तब मिल रहा था, दैट्स लाइफ। बट इवेंचुअली ये मुझे बाद में पता चला कि जो होना होता है वो तो होता ही है। मैंने 200% हर शॉट में दिया है, मतलब इतना दिया है कि रनिंग शॉट्स में मुझे जो लोगों जिसको पकड़ना होता था मैं पकड़ लेता था, और जो मेरे साथ होते थे तो पीछे रह जाते थे। मैं बोलता था प्लीज मैं नकली कैसे भागूंगा, मैं द वे आई वर्क एंड आई बिलीव दैट आई डोंट चूज द स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स चूज मी, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। वेल इस वक्त मेरे साथ जो खास शख्स बैठे हैं, इन्हें देख के जो लोग इंस्पायर होते हैं या फिर एस्पिरेशन लेते हैं टू बिकम एन एक्टर, उन्हें हम एस्पायरेंट्स बुलाते हैं। एंड एज संदीप भैया, ही हैज़ बिकम द हाउस होल्ड नेम, बड़े दावे के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं है इनके जैसा कोई दूजा। वेलकमिंग सनी हिंदुजा इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोर्ट्स। Well, and happy birthday to you. Thank you. Well, जैसे हमें खबर पता चली है that our very own Sandeep Bhaiya is all set for his debut film in the South. Yeah. थोड़ी सी हलचल मची है कि ये एक मिनट ये क्या हुआ ऐसे? Please tell me how did you get on board with this project? It was very simple. जैसा कि मेरा मानना है कि the way I work and I believe that I don't choose the scripts, scripts choose me. Hi. So that's how it happened. It was meant to be and it came across and met the team and such fantastic people. And after hearing the script, I thought this is something very, very original, something new. And Malayalam cinema I've always been a fan of. And at the same time when I heard the character, that was blown all the more away. Because itna hi alag aur itna hi interesting, उतना ही यू नो मिस्टिकल, उतना ही मैजिकल, उतना ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ रोल है, तो मुझे लगा दिस इज एन ऑफर आई शुड नॉट मिस। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ हॉरर कॉमेडी, राइट? या कॉमेडी, हैव यू एवर हॉरर फैंटेसी एंड अ मिक्स ऑफ इट। क्या, सो हैव यू एवर सीन यू डू सच रोल बिफोर? या ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है हम सब? या या, इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, आई हैवंट डन समथिंग लाइक दिस बिफोर। एंड ये मतलब वैसा वाला कैरेक्टर है कि he operates beyond human level, literally. Oh my god, now I'm super excited. But first let me take you back to the day, like if we trace your journey, kya aapko yaad hai wo pehla din, wo pehla shot aapke life ka jo aapne diya tha in front of the camera? Bahut acche se yaad hai mujhe, main FTI mein pad raha tha, ha, aur mujhe ek film mil gayi thi, correct, it's called Cycle Kick, and of course uska jo bhi process tha, audition ye wo sab cheeze hui, and I literally was not sure that I can pull it off. I was one of the two leads in the film, and ये concern मैंने director को भी share किया था कि आप sure हो ना? मैं नहीं हूँ, तो because I had gone in FTI, I wanted to learn, और अभी मैं सीखना शुरू भी नहीं हुआ था एक तरीके से, और ये film God's grace मिल गई, and वहाँ के मेरे teachers, मेरे batchmates, जो भी थे seniors, मैंने कहा अब जब करना ही है तो फिर पूरा 100% करना है, जो भी थियोरेटिकली जितना भी जो भी सीखना था समझ के स्क्रिप्ट पढ़ के तैयारी करके आई वेंट। बिल्कुल, एंड आई रिमेम्बर नॉट ओनली दैट फर्स्ट शॉट बट द एंटायर फिल्म, मतलब मैं दुआ करता हूँ कि वैसा वाला इनोसेंस वापस आ जाए मेरे अंदर। मैंने 200% हर शॉट में दिया है, मतलब इतना दिया है कि रनिंग शॉट्स में मुझे जो लोगों जिसको पकड़ना होता था मैं पकड़ लेता था, और जो मेरे साथ होते तो पीछे रह जाते थे। मैं बोलता था प्लीज मैं नकली कैसे भागूंगा, मैं या तो मैं भागूंगा ना, मैं नकली, आई रन वेरी फास्ट। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस बढ़ावा दिया जिसको मुझे पकड़ना है, और मेरे साथ वाले तो पीछे रह गए जबकि वो साइकिल पे था, मैं भाग रहा था, सो इट वाज दैट, और मुझे क्रैम्प्स व्रैम्प्स आ गए थे। तो मतलब उस वक्त वैसा वाला था ना कि मतलब एक एक शॉट जो है 200% करना है, and the entire film went like that. So that's how my first shoot was. From that day till today, do you think something has changed within you? Like, वही as I said कि वो state में जब मैंने वो film की थी,
वो स्टेट नहीं आ सकती बिकॉज एक्सपीरियंस हैज कम इन. तो उसके प्लसेस भी हैं माइनसेस भी हैं. प्लस ये है कि यू नो कि जेन्युइनली कुछ नहीं पता. इनफैक्ट अभी भी मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं डरा वही रहता हूँ कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा. Yeah, that, I don't believe this because after we have seen him perform so well in so many projects, I doubt. I mean, that happens. I mean, then of course there is the team, directors, actors, so sab mila ke comfort dheere dheere ho jata hai. But still, even after the shot, I am little, before the shot, I am little nervous and worried and excited. Kyunki mujhe nahi pata hota kaisa hoga. But wo wali jo innocence hai na ki, matlab actually, एक तो होता है कि आपने थोड़ा बहुत कर लिया है तो अब पता है कि किस तरीके से और क्या होता है क्या एंगल है क्या नहीं. उसके फॉर ये है कि यू नो अब पता रहता है कि आप लाइट पकड़ रहे हो और आप अपनी तरफ से क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आप लाइट में आके नहीं दोगे फोकस में आके नहीं करोगे तो फिर वो इतनी खूबसूरती आपकी परफॉर्मेंस की कैप्चर ही नहीं हो पाएगी. तो ये चीजें पता चल गई पहले नहीं पता थी तो आप करते थे शिद्दत से करते थे लेकिन उसका एक अलग मजा है रॉनेस होती. तो वो रॉनेस मतलब आई ट्राई आई प्रे कि मैं वो इनोसेंस वो नॉट नोइंग वो लेके आऊं. आई ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज बट समवेयर वैसा तो नहीं रहता है. सो दैट इज द चेंज बट आई स्टिल ट्राई हार्ड यू नो कि मैं उतना ही ओरिजिनलिटी उतने ही इनोसेंस के साथ अप्रोच कर सकूं कोई रोल और उतने ही जेन्युइनिटी के साथ काम कर पाऊं. 100% for his honesty, guys. Well, if I'm not wrong, we began from the television and then we explored the OTT space. This was the beginning, the first film. Oh. Yeah. So this film I did and वो release होने में time लगा और उसके अलावा भी मैंने और भी 6-7 फिल्में करी उनको भी release वो release नहीं हुई तो उस तरीके से मेरी journey शुरू हुई and of course बीच में मैंने फिर TV भी किया and I don't know somehow I used to feel कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी मुझे ना फिल्में करनी है और उस वक्त तो OTT वगैरह कुछ नहीं था तो मैं कोशिश करता था यू नो कैमियोस अगर क्योंकि यू आल्सो नीड टू अर्न यू नो एंड यू नीड टू फॉर योर ब्रेड एंड बटर. सो आई यूज्ड टू डू दैट. मैं खुद से मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं यू नो मेन रोल टीवी में करूँ क्योंकि फिर उस वक्त ऐसा होता था कि कभी उस दौरान मुझे फिल्म मिल गई तो उस डर से मैंने ना अप्रोच किया ना कभी ऐसी चीजें हुई कि मैं वहां जा पाया. जब मैं रेडी था मैं करूंगा एज लीड क्योंकि नहीं हो रही थी चीजें तब मिला नहीं. जब मुझे लगा कि नहीं अभी नहीं करना तब मिल रहा था. दैट्स लाइफ. बट इवेंचुअली ये मुझे बाद में पता चला कि जो होना होता है वो तो होता ही है. सो आप सिर्फ मोरे हो यू हैव टू गो विद द फ्लो यू कैन ओनली डू व्हाट इज देयर इन योर हैंड्स. तो ये चीजें मुझे बाद में समझ में आई. But I think whatever happened for the best. OTT came into picture and then gradually kuch kuch role karte karte here I am. Kuch kuch and those kuch kuch was so impactful. When OTT happened, pehle to bahut zyada debates hoti thi, you know, ki OTT, theater, two different things, audiences divide ho rahi hai. People want to sit in their houses, chill and then see everything on OTT. But cinema ka ek alag hi maza hai. I want to ask you, if I'm not wrong if I say this, ki was OTT the जो एक्चुअली मेरा इनिशियल ट्रुथ था फिल्म्स वहां तक पहुंच पाया. तो OTT हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉट ओनली फॉर मी आई थिंक फॉर द एंटायर फ्रेटर्निटी डायरेक्टर राइटर्स एवरीबॉडी has given so many opportunities and इतने अच्छे अच्छे रोल हैं जो यू नो नए लोगों को चांस मिलता है जिसकी वजह से एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन एबल टू डू द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग एंड पीपल हैव सीन माय वर्क. ये नहीं होता तो शायद आज यहाँ हम नहीं बैठे होते. इतना सारा प्यार मिलने कैसे लगता है यू नो क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी जब आप बाहर जाते होंगे आपको आपके रियल नाम से नहीं बल्कि संदीप भैया से ज्यादा बुलाते होंगे. जी जी जी. How do you take it? I mean, this is the first time that I'm meeting you, but I've heard so much about you, not only from your friends and colleagues, but also from my media fraternity. How do you keep yourself so grounded? I mean, I don't know. I feel ki agar aapko जो आप कर रहे हो उसमें आपको अगर खड़े रहना है तो जमीन पर रहना पड़ेगा. अगर आप थोड़ा भी ऊपर आ गए ना तो गिरने का खतरा है. ऐसे मैंने सोचा नहीं है बट मुझे लगता है यही तरीका होता है. I mean that is how you're supposed to be and that is how what probably I've learned from my parents and
फ्रॉम द थिंग्स दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि कुछ भी हो लाइफ में अपना ग्राउंड हमेशा रखना, मेहनत करते रहना, सर झुका के आगे बढ़ते रहना. तो ये मुझे पता है. एंड आई थिंक नॉट जस्ट दैट, इट इज यू नो द बिगर थिंग देन दिस इज टू थिंक अबाउट अदर्स. जो मुझे कभी कभी लगता है कि मिस हो जाता है कई बार. तो अगर आप जो भी आपके साथ वाले हो या चाहे कलीग्स हो चाहे कोई भी मिलता हो, इंसान पहले है वो, बाद में उसका औदा है, बाद में उसका नेचर है, बाद में उसका यू नो हाव भाव है. इंसान तो है ना, तो पहले लेवल पे तो हम वो रिस्पेक्ट करें. दैट्स व्हाट आई फील. एंड व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स इज द यू नो लव इज एन इटर्नल इमोशन एंड आई थिंक दैट इज माय ब्रेथ. सांसें एक हैं और लव इज माय बीइंग. और उसके साथ साथ मैंने सीखा है एम्पैथी इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक अगर वो होगा ना तो फिर शायद आप मुझे लगता है ग्राउंडेड रहना इज वेरी वेरी बेसिक. यू नो उसके बाद अब आप अच्छे कर्म करो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, देन यू प्रोबेबली से आप कुछ कर रहे हो. यू नो आज के डेट में ग्राउंडेड रहना इज नॉट अ बिग थिंग. वो अलग बात है, कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं, बट दैट इज अ ग्राउंड लेवल. मतलब एक कोई महान चीज नहीं है. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, दैट इज बेसिक. Correct. आप उसके आगे जाके अगर कुछ किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी नीडी लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, या आपने प्रॉब्ली एक्टिंग स्कूल खोला है और जो नए टैलेंट्स हैं जेन्युइन, उनको कहीं मौका मिले, दैट इज समथिंग प्रॉब्ली यू विल डू, व्हिच प्रॉब्ली मौका लगेगा हम करेंगे, बट अभी फिलहाल बेसिक से चला रहे काम. ही इज डूइंग अ डेब्यू इन द साउथ एंड ही सेइंग बेसिक से काम चला लेंगे. लेट मी आस्क यू दैट यू हैव वर्क क्लोजली विद दिस इंडस्ट्री एज वेल एज द साउथ इंडस्ट्री. And with the Pushpa 2's trailer, jo craze aa raha, you know, amongst the fans, what change, what difference do you feel that we don't have and they have? Jis hisab se pan India films ka jo craze badh raha, you know, be it KGF, be it Pushpa, be it Bahubali back then. Do you think there is something that we are lacking? Mujhe lagta hai hamari filmein bhi achhi khasi chal rahi hain. But it's just that ki wo filmein और वहाँ साउथ में जो इंडस्ट्री है ऑलरेडी इट्स अ फ्लरिश इंडस्ट्री. और वहाँ के अलग अलग स्टार्स का मतलब वहाँ का एक आचरण मुझे बड़ा मतलब खूबसूरत लगता है. वहाँ वो वहाँ एक्टर्स को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं. यू नो वहाँ पे मतलब उनके अलग अलग नाम होते हैं, नेचुरल स्टार, आइकॉनिक स्टार. इट्स वेरी ब्यूटिफुल यू नो. एंड द काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी दैट आई सी देयर, इट्स माइंड ब्लोइंग. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, बट यहाँ अपने तरीके से. वहाँ पे मतलब लिटरली यू इट्स इन योर फेस. तो दैट इज अ बिग डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई फील. बट फिल्में चलने नहीं चलने का तो यार वहाँ की भी कई फिल्में नहीं चलती, यहाँ की भी नहीं चलती. वो तो फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स आपका कितना मेहनत, कितना कर्म, कितना थॉट उसको बनाने के पहले जाता है. That is what is important, an impediment for a film to work, be it in south, east, north, west or all over the world. वो basic है. तो मुझे लगता है कि that is what is the main criteria to be, you know, invested in the script from writing to, you know, bringing it on the screens. वो पूरा overall वहाँ पे कहीं शायद कड़ी missing होती होगी, तो शायद मुझे लगता है गड़बड़ होती होगी. और शायद हर film की अपनी अपनी destiny भी होती है. आप ऑनेस्टी के साथ काम करो और उतनी शिद्दत से करो, आई थिंक आई बिलीव उसमें रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं देन वहां पे कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उतना ही कर सकते जो हमारे हाथ में. और इवेंचुअली तो आप नहीं सोच पाते हो ना कौन सा काम कितना चलेगा. True. वो तो फिर एक अलग बॉल गेम है. True. वो हाथ में नहीं है. True. जो हाथ में है मुझे लगता है वो फोकस करना चाहिए. Perfectly said. And lastly, जाते-जाते एक सवाल पूछना चाहूंगी. अगर मेरे तो रिपोर्ट्स सही है, मेरे सोर्सेस सही है, we are going to see you somewhere on the Netflix as well. What is coming on? Yeah, so you will see me on Netflix and there is some time for that. Okay. But as and when चीजें अनाउंस या न्यू ईयर या ये साल जितना बता दो. नहीं अगले साल. हाँ अभी तो नहीं है. वो लोग तो इन एडवांस कर देते हैं और आपको पहले पता चल जाता है इतना पास होता तो. Well, wonderful. So before we sign off, let me call somebody and tell a news. Okay. Hello, mummy. Yeah, hello, mummy. आने वाली है. And when is it going to premiere? 21st of November. 21st November को. So we are all set for Hello, Mummy, and to see Sunny rocking there. On this note, signing off. This is Nikita Bhagwan with cameraman Yogesh Kaini, India Forums, Mumbai. Thank you. Thank you so much.